जनरल स्टडी का जीएस का पेपर नंबर सेकंड है हमारा, पार्ट नंबर बी इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था में हम पढ़ रहे हैं प्लानिंग इन इंडिया। जिसके अंतर्गत हम फाइव ईयर प्लान पढ़ रहे हैं और फाइव ईयर प्लान में भी हमने प्रीवियस क्लास में फिफ्थ फाइव ईयर प्लान तक फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में हमने देखा था कब से कब तक का पीरियड था इसका। इस समय कुछ पॉलिटिकल डिस्टरबेंस हुए 1977 में, कांग्रेस गवर्नमेंट के प्लेस पर जनता गवर्नमेंट आई और उन्होंने 77 में जब वो सरकार बनी तो कांग्रेस की पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया। फिर क्या हुआ 1980 में, फिर से वही गवर्नमेंट आ गई जो पहले थी, तो उन्होंने जनता सरकार की योजनाओं को रोक दिया और 84 से 85 तक फिर से क्या बनाई, फाइव ईयर प्लान बनाई, दैट वाज दी सिक्स, ठीक है, सिक्स फाइव ईयर प्लान है छठवीं पंचवर्षीय। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई और भारत को एक युवा प्रधानमंत्री मिले राजीव गांधी। और राजीव गांधी के विचार एकदम बहुत ही अलग थे बाकियों से। उनका मानना था कि यूथ को आगे ले जाना है तभी कोई देश प्रोग्रेस करेगा, यूथ तभी आगे जा पाएंगे जब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और क्वालिटी एडुकेशन मिलेगी और वो टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे। इसलिए इंडिया में कंप्यूटर क्रांति का जो क्रेडिट है वो राजीव गांधी को जाता है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लाने का क्रेडिट किसको जाता है? जब भारत में कंप्यूटर क्रांति आई थी तो पूरे भारत में बहुत व्यापक विरोध हुआ था कि ये मशीन आ जाएगी तो लोगों को काम नहीं मिलेगा, है ना, और बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने इसका विरोध करा। लेकिन उसके बाद भी इंडिया में आईटी जो सेक्टर में रिफॉर्म्स थे वो पार्शियली सिक्स फाइव ईयर प्लान और कम्प्लीटली सेवन से आने शुरू हो गए थे, ठीक है। और तब अगर ये नहीं होता तो आज इंडिया विश्व में किसी भी स्टेटस पर पहुंचने की काबिल हो नहीं पाता, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है पूरे वर्ल्ड में हर देश इससे कनेक्ट होने की, तो ये कोशिश उस ड्यूरिंग क्या हुई, इंडिया में शुरू हुई। तो अब जब सिक्स फाइव ईयर प्लान फिनिश होगा तो एक नए रेशियो, एक नई आइडियोलॉजी से राजनीति शुरू होगी भारत में और पंचवर्षीय योजना के ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत डिफरेंट होगी। ऑब्जेक्टिव में एम्प्लॉयमेंट आएगा, अभी तक गरीबी हटाव आ रहा था लेकिन रोजगार देना, गरीबी कैसे हटाएंगे, पेंशन देकर, खाना बांट कर, तो ऐसे कभी गरीबी दूर, तो गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा जरिया है रोजगार। तो आगे जो सातवीं आठवीं पंचवर्षीय योजनाएं होंगी उनमें रोजगार की बात की गई, ठीक है, उसके उससे क्या होगी अपने आप गरीबी, स्किल्ड की बात की गई है, अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिएशन प्रोग्राम चलाए गए हैं, वेरियस गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं सेंट्रल और स्टेट लेवल पर। तो ये आगे जो जैसे जैसा पॉलिटिकल सिनारियो बदल रहा था, नई नई आइडियोलॉजी के लोग आ रहे थे सरकार में, वैसे वैसे पंचवर्षीय योजनाओं का डिज़ाइन भी और डिमांड भी क्या हो रही थी, चेंज होने की, ठीक है। हर सरकार की अपनी कुछ प्रायोरिटी होती है, ठीक है, और वो प्रायोरिटी अगर उन्हें लगती है, पब्लिक को अच्छी लगती है, तो सरकार को वो बार बार क्या होती है, सत्ता में लेकर आती है। तो प्रीवियस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी तो गरीबी इरेडिकेशन था, गरीबी इरेडिकेशन मतलब किसानों से वेलफेयर से रिलेटेड था और ज़्यादातर उनके मोटिव्स थे कि किसानों के फेवर में नीतियाँ, क्योंकि भारत की लगभग 70% से ज़्यादा जनसंख्या एग्रीकल्चर पर, तो वो उसको अपना वोट बैंक मानते थे और उनको टारगेट करके पॉलिसीज बनाते थे, ठीक है। लेकिन फिर बाद में ये रियलाइज़ किया जाने लगा आगे जैसे पंचवर्षीय योजनाएं बनती गई कि एक दो सेक्टर को हम लेकर पूरे देश को आगे नहीं ले जा सकते, इसलिए फिर हर सेक्टर में इक्वल बजट क्या होने लगा, एलोकेशन। कुछ लग्जरी चीज़ें थी जिनको ज़िंदगी में शामिल किया गया, जैसे सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है,
हेल्थ बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइज नहीं रहेंगे तो बीमार पड़ेंगे, अनहेल्दी रहेंगे। अनहेल्दी व्यक्ति देश के लिए भी बोझ है, खुद के लिए भी बोझ है, परिवार के लिए भी, ठीक है। और इस तरह से तो वो कभी प्रोग्रेस, तो ये सारी चीज़ें हम आने वाली 5 ईयर्स प्लान में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। मतलब 360 डिग्री से क्या कर रहा, शुरुआत की जो 5 पंचवर्षीय योजना है उनमें आप देखेंगे कि कुछ बस लिमिटेड एरिया तक वो उनके लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, लेकिन अब क्या हो गया, वो लक्ष्य काफ़ी विस्तृत हो गए थे, फैल गए थे। तो आई थिंक 5th तो हम कल पढ़ चुके थे, है ना, और कौन सी गवर्नमेंट आई और ये सारे पॉइंट्स देख लिया था। हेडिंग क्या है हमारी, 6th 5-ईयर प्लान, हिंदी इंग्लिश में हेडिंग डालेंगे। रोलिंग प्लान में कुछ भी नहीं लिखा था क्या? हाँ, तो अब 6 5-ईयर प्लान है, ठीक है। रोलिंग प्लान वही 5 के बाद ही आए थे, 6th पंचवर्षीय योजना, दो रोलिंग प्लान थे, पढ़ के बताओ पूरा स्टेटमेंट। एम्फेसाइजिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। 79 to 80 लिख लिया था, रोलिंग प्लान बनाया था, तो ठीक है, यही तो प्लान था रोलिंग, 79 to 80। फिर 80 से 85 तक क्या हो गया, 6, तो अब हेडिंग 6 5-ईयर प्लान है, 6th पंचवर्षीय योजना, 80 से 85। स्लोगन था गरीबी हटाओ, किस स्लोगन के साथ शुरू हुई, गरीबी हटाओ, 80 से 85। फिर स्लोगन लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में, गरीबी हटाओ या इरेडिकेट पावर्टी, तो 5वीं और 6वीं में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसका लक्ष्य था कि गरीबी को दूर करना है, लेकिन ये जो लक्ष्य है लोगों को इतना अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे लोग गरीब थे और हर कोई गरीबी से बाहर आना चाहता था, तो उनको लगा कि ये सरकार वाकई में हमें गरीबी से मुक्ति दिलाएगी, इसलिए इतना बड़े लेवल पर इस शब्द का प्रयोग हुआ गरीबी हटाओ का, कि ये जन जन की आवाज़ बन गया और फाइनली ये क्या हो गया, एक नारा हो गया, 6वीं पंचवर्षीय योजना में से एक स्लोगन के तौर पर प्रयोग किया गया, ठीक है। तो 6वीं क्वेश्चन आता, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया, क्वेश्चन आता गरीबी हटाओ का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में, तो 5th, ठीक है। तो इसलिए दो अलग अलग चीजें हैं। जब हमने देखा कि 5th 5-ईयर प्लान में गरीबी उन्मूलन के लिए जब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए तो जनता ने बहुत बड़े लेवल पर सरकार को समर्थन दिया, और इतना बड़ा सपोर्ट देखकर गवर्नमेंट ने अलग से गरीबी के लिए एक प्लान बनाया 1975, 20 फॉर्मूला या 20 पॉइंट्स लिखा था ना 1975 में, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, जो कि वो 20 पॉइंट थे जिनको फॉलो करके देश से गरीबी को दूर किया जा सकता है। तो 5th 5-ईयर प्लान में गरीबी हटाओ के लिए जो पब्लिक का रिएक्शन था उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने अलग से 20 फॉर्मूलाज बना दिए, ठीक है। और ये काफ़ी बड़े लेवल पर ये सफल होता हुआ नज़र आया, इसी वजह से जो 6 5-ईयर प्लान था उसको भी किससे रिलेटेड रखा, गरीब। लेकिन कई सारे विपक्षी दल इस बात के समर्थक नहीं थे, क्योंकि गरीबी हटाने के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण जैसी नीतियाँ भी 1975 में पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम, क्योंकि सरकार का मानना था कि जिस रेशियो से जनसंख्या बढ़ रही है तो गरीबी तो कभी दूर, अगर जनसंख्या नियंत्रित हो जाए तो अपने आप क्या हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए उन्होंने काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए, फोर्सफुली लोगों को फैमिली प्लानिंग करने के लिए ज़बरदस्ती नसबंदी और ये सारे कार्यक्रम किए गए, जिससे कई सारे लोग सरकार के ही अगेंस्ट में हो गए। और फिर विपक्षी दलों ने नारा दिया कि गरीबी हटाओ नहीं है, गरीबों को हटाओ, मतलब ये किसको हटाना चाहते हैं, गरीबों को हटाना चाहते हैं। और इस तरह से ये सारी की सारी जो कि
होता है अपोज राजनीतिक स्तर पर कोई योजना का, तो वो हो रहा था, ठीक है। और काफी सारे लोग फिर इसके क्या हो गए सेकेंड टाइम में, क्योंकि सरकार गरीबी ऐसे ही नहीं हट जाएगी, कुछ ना कुछ तो मेजर्स लेगी ना सरकार। अब आप सोचो कि हर गरीब को 10-10 लाख रुपए दे दें तो गरीबी दूर हो जाएगी, हो सकती है क्या? जिस दिन 10 लाख रुपए खत्म हुए उस दिन फिर से वो गरीब, ठीक है। तो किसी को ये देने से गरीबी दूर, यहाँ सोच से गरीबी दूर हो सकती है, जनसंख्या नियंत्रण से गरीबी दूर हो सकती है, अच्छी शिक्षा से, अच्छी जो है एम्प्लॉयमेंट से, इन सब मेजर से गरीबी, और ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमाने से गरीबी दूर हो जाएगी, ठीक है। गरीबी का कारण वो गरीब खुद होते हैं, ठीक है, और उनको रिसोर्सेज अवेलेबल कराए सरकार, जिनको फॉलो करके वो अच्छी शिक्षा ले और अच्छा एम्प्लॉयमेंट अचीव करें, और इनकम के बाद वो अपना सारी ज़रूरतें क्या करें, पूरी करें। इतनी बड़ी जनसंख्या में सरकार तो ये, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति है कम पैसे कमा रहा है, घर नहीं बना सकता तो हाउसिंग प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं करा सकता फ्री में हॉस्पिटल्स हैं, महंगी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता फ्री में शिक्षा संस्थान है, तो ये सारी व्यवस्थाएं रेंडमली की जा रही थी। ओके, तो 1975 में बीस सूत्री कार्यक्रम किससे रिलेटेड था? पॉवर्टी इरेडिकेशन, गरीबी उन्मूलन से। लिखेंगे लिखेंगे द 6-5 ईयर प्लान द 6-5 ईयर प्लान्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज अटेंडिंग दिस, क्या लिखा था पूरा स्टेटमेंट, मेन ऑब्जेक्टिव वॉज स्पीडी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अनदर ऑब्जेक्टिव राइज इन द एम्प्लॉयमेंट लेवल, अनदर ऑब्जेक्टिव राइज इन द एम्प्लॉयमेंट लेवल, पॉवर्टी रिडक्शन एंड एक्वाशिएशन, पॉवर्टी रिडक्शन एंड एक्वाशिएशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, एक्वाशिएशन AQUISITATION, ठीक है, ऑफ टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। तो एक कोई एक ऐसा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं था, लेकिन हाँ वो चाह रहे थे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जिससे लोगों को काम मिले, और काम मिलेगा तो गरीबी दूर होगी। लिखेंगे सेल्फ रिलायंस, अब लिखेंगे बैकग्राउंड क्या था इस 5 ईयर प्लान का, सब हेडिंग है बैकग्राउंड, एट द ऑनसेट ऑफ द 6th 5 ईयर प्लान, ऑन द ऑनसेट ऑफ द 6th 5 ईयर प्लान, राजीव गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर, राजीव गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर, प्रायोरिटाइज्ड स्पीडी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, प्रायोरिटाइज्ड स्पीडी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विद स्पेशल एम्फेसिस, इसको अंडरलाइन करना, विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन दी
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, स्पेशल एम्फेसिस ऑन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। फ्रॉम द फिफ्थ फाइव ईयर प्लान, फ्रॉम द फिफ्थ फाइव ईयर प्लान द नेशन हैड बीन एबल टू अचीव, द नेशन हैड बीन एबल टू अचीव सेल्फ सफिशियंसी इन फूड, अचीव सेल्फ सफिशियंसी इन फूड Moreover, the industrial sector, moreover the industrial sector was also diversified. Industrial sector was also diversified and science and technology and science and technology also made a significant advance. लिखेंगे आगे one of the major hindrances, H-I-N-D-R-A-N-C-E-S, hindrances in the way of future development, in the way of future development in this period was future development in this period was the boom in the period was the boom in the Indian population, boom in the Indian population. However, several successful programs on program on implement of public health and epidemic control, public health and epidemic control were also undertaken to reduce infant mortality, undertaken to reduce infant mortality and increase life expectancy significant investment were made by the government in the Indian healthcare sector. In the Indian healthcare sector, सब एडेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्स फाइव ईयर प्लान या ऑब्जेक्टिव पॉइंट बना के पहला टू इंक्रीज द ग्रोथ रेट फर्स्ट है टू इंक्रीज द ग्रोथ रेट ऑफ इकॉनमी दूसरा
कॉन्सेंट्रेट ऑफ द टू कॉन्सेंट्रेट ऑफ द प्रमोशन ऑफ इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेस प्रमोशन ऑफ इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेस थर्ड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी लेवल टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी लेवल नेक्स्ट टू कंट्रोल पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू कंट्रोल पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट टू डेवलप इंडिजीनियस एनर्जी सोर्सेस टू डेवलप इंडिजीनियस एनर्जी सोर्सेस एंड इफिशियंट एनर्जी यूजेस एंड इफिशियंट एनर्जी यूजेस नेक्स्ट टू प्रमोट क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द सिटीजन टू प्रमोट क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द सिटीजन टू प्रमोट द एजुकेशनल टू प्रमोट द एजुकेशन एट ऑल लेवल एट ऑल लेवल हिंदी मीडियम में लिखेंगे ठीक है लिखेंगे क्या लिखा था वहीं से ऑफिस शायद ये गर्मी हो रही है एसी ऑन कर थैंक यू ओके ठीक है लिखेंगे छठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ लिखा था कि हिंदी मीडियम में छठी पंचवर्षीय योजना के घोषणा पत्र में छठी पंचवर्षीय योजना के घोषणा पत्र में आर्थिक उदारीकरण के प्रारंभ की घोषणा पत्र में आर्थिक उदारीकरण को लक्षित किया गया था वस्तुतः यह नेहरूवादी समाजवाद के अंत की शुरुआत हुई
वस्तुतः यहाँ नेहरूवादी समाजवाद के अंत की शुरुआत हुई। नेहरूवादी समाजवाद के अंत की शुरुआत हुई। इस योजना की अवधि के दौरान इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी दौरान 84 तक थी, 5 में राजीव गांधी बन गए थे या 4 में ही बन गए थे। अवधि के दौरान इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। इस योजना में अधिक जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था। लिखेंगे कुछ मुख्य मुद्दे जो इस योजना में सम्मिलित थे। निम्नलिखित हैं, पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक आधारभूत संरचना पर बल दूसरा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1979 में शुरू हुआ था। ये ग्रामीण विकास कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण गरीबी को खत्म करना, तथा क्षेत्रीय असमानता को घटाना रीजनल इम्बैलेंस का मतलब है कि जैसे यहाँ पर एक पुराना भोपाल, एक नया भोपाल। नए भोपाल में आप देखोगे चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, सब कुछ क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है, सिविलाइजेशन है, हर एक चीज़ है। पुराने भोपाल में जाओगे कंजस्टेड एरिया है, गंदगी पड़ी हुई है, पुरानी बिल्डिंग्स हैं काफ़ी सारी और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन नए भोपाल में तो ये रीजनल इम्बैलेंस है। क्षेत्र तो दोनों एक ही है लेकिन इम्बैलेंस है, मतलब समानता नहीं है। किसी अर्थव्यवस्था में ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज आप जो गैप है उसे कभी कम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्षेत्रीय असमानता, अब ये क्षेत्रीय असमानता का बहुत बड़ा कारण पॉलिटिकल कारण है कि कोई क्षेत्र है जिसने आपको वोट नहीं दिया या वो आपकी जाति आपके धर्म से संबंधित नहीं है, तो जब राजनीतिक दल बनते हैं तो वो क्षेत्र का विकास नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं उसे, ठीक है।
और वो क्षेत्र पिछड़े हमेशा ही वो क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। तो इसको हम रीजनल इम्बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट या रूरल एरिया में रहने वाले जो ट्राइबल पीपल हैं उनका कोई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहता, कोई भी उनको इन्फ्लुएंस करके उनसे वोट डालने के 10 दिन पहले उनसे आपको, ठीक है, आप उनको कन्वेंस कर सकते हैं, वो आप ही को वोट दे के आएंगे, वो बहुत ईमानदार है इस मामले। फिर उसके बाद वो कोई पॉलिटिकल इशू रेज नहीं करते, तो उनके क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल ये कभी कुछ बनता नहीं। अच्छा, सरपंच जी के चुनाव होने वाले हैं ना। हाँ, अभी एक केस हमने पढ़ा छत्तीसगढ़ का, अभी छत्तीसगढ़ में पंचायतों के चुनाव हुए, तो वहाँ पर जिसने बांट दिया, किसी को कुकर बांटा, किसी को मिक्सी जो होते ना मिक्सर किचन आइटम्स, और वो हार गया, तो सबको जाके चिल्ला दिया कि मेरा सामान वापस दो मुझे ये वो तो लोग गुस्सा गए और उन्होंने रोड पे ले आके पूरा सामान इकट्ठा कर दिया, इतना बड़ा ढेर लगा दिया। ये बात निर्वाचन आयोग को पता चल गई, अब उसके अगेंस्ट कार्यवाही होगी। अभी तक किसी को नहीं पता था कि उसने रिश्वत दी, अब पता चल गया कि उसने वोट के लिए लोगों को और अब उसके ऊपर कार्यवाही होगी, अब चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा कभी ये कभी एक आध हफ्ते पहले हमने पढ़ा था पेपर में छोटे बच्चे करते ना ऐसा, कोई सामान देते फिर कहते नहीं वापस दो हम नहीं दे रहे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी उसने, ठीक है, लिखेंगे आगे क्या लिखा था नेक्स्ट पॉइंट अपन ने, क्षेत्रीय असमानता। आदि इस पंचवर्षीय योजना द्वारा आदि फिर लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, इस पंचवर्षीय योजना द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में, सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में कई लक्षित कार्य किए गए और कई कार्यक्रम भी चलाए गए, कई कार्यक्रम भी चलाए गए। कौन कौन से कार्यक्रम थे इस 5-year plan में लिख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम में लिख लीजिएगा, स्कीम्स लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग 6 5-year plan, हिंदी में छठवी सॉरी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं, स्कीम लॉन्च बाय दी गवर्नमेंट ड्यूरिंग 6 5-year plan। सबसे पहली है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NRED, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, NREP लिख लीजिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय NREP, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980। दूसरा बायोगैस प्रोग्राम, बायोगैस कार्यक्रम 1982। नेक्स्ट ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड इन द रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास कार्यक्रम
डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द विमेन एंड चाइल्ड इन द रूरल एरिया। 83 नेक्स्ट ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। नेक्स्ट शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ या अर्बन इलिटरेट अनएम्प्लॉयड यूथ। 1983 शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम, लिटरेट लिखना पड़ेगा, लिटरेट यूथ एम्प्लॉयमेंट फॉर लिटरेट यूथ। नेक्स्ट है डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, DDP, डेयरी विकास कार्यक्रम, डेयरी विकास कार्यक्रम, डेयरी दूध डेयरी वाला, डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेयरी वाला इंपॉर्टेंट है। नहीं सब 83 क्योंकि 80 से 85 के बीच ही कार्यक्रम लागू हुए हैं, 5 साल के अंदर ही इस योजना के अंदर जो हुए हैं, तो ज्यादातर कार्य 83 में ही हुए हैं। 84 में तो डेथ हो गई थी उनकी, तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लागू कर नहीं पाए थे। डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम 83। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रामीण तथा लघु उद्योग विकास कार्यक्रम, विलेज स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम VSIDP। विलेज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रामीण तथा लघु उद्योग विकास कार्यक्रम 1983। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जनजाति विकास एजेंसी, ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी TDA, जनजातीय विकास एजेंसी, ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी। नेशनल सीड्स प्रोग्राम, राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम, नेशनल सीड्स प्रोग्राम, राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम 1983। गहन दलहन विकास कार्यक्रम, दलहन मतलब दाले, इंटीग्रेटेड पल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, गहन दलहन विकास कार्यक्रम 1983, इंटीग्रेटेड पल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट गहन कपास विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड कॉटन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983।
और एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है अब जो लिख रहे हैं, खादी तथा ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम। खादी तथा ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम, खादी एंड विलेज, खादी नहीं सुना, खादी ग्राम उद्योग, खादी के कपड़े, माँ खादी की चादर ले ले मैं गांधी बन जाऊं, हाँ सुना ही नहीं, तो वही वाले खादी के वस्त्र होते ना। ओके, ये खादी एक पूरा का पूरा छोटे लघु उद्योगों का इंटीग्रेटेड सेक्टर है जहाँ सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। खादी विलेज इंडस्ट्रियल प्रोग्राम, KVIP 1983। ये क्वेश्चन पूछा है, खादी एवं ग्राम उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? ठीक है, किसकी 1983। खादी और ग्राम उद्योग के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो ये तो काफी दुख की बात है। खादी ग्राम उद्योग में ज्यादातर हैंडीक्राफ्ट चीजें होती, हाथ से बनाए गए प्रोडक्ट्स होते, बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं, रियल होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, बट बहुत ही कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, इसलिए लोग इनको खरीदना पसंद नहीं करते ज़्यादा, और ना ही इसके बारे में ज़्यादा लोग जानते हैं। इसकी मेन जो वजह है वो ये है कि इसकी मार्केटिंग नहीं होती है। टीवी पे आप दुनिया भर के कितने सारे चीज़ों के ऐड देते हैं, पतंजलि आधा तो ऐड से ही ऊपर उठ गया, खादी ग्राम उद्योग का ऐड कभी आपको देखने को मिला? मिलेगा भी तो कहाँ, सरकारी समाचारों के बीच में, जो कि कोई देखना पसंद नहीं करता, ठीक है, और वो भी पूरे 24 घंटे में एक दो बार चला दिया, तो इतना तो। इसी वजह से जो है इस सेक्टर का बहुत कुछ उद्धार हो नहीं पाया, और ये सेक्टर चूंकि सरकार चलाती है इसलिए ये लॉस में चलता है, ठीक है। कई सारे क्षेत्रों में, पूरे शहर में आपको कुछ एक जगह मिल जाएंगी खादी एंड ग्राम उद्योग की, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, लेकिन प्योरिटी और नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं। तो ये कब बना? 83 में, इम्पोर्टेंट है याद रखना। तो ये 6-5 ईयर प्लान के ड्यूरिंग इतने सारे क्या किए गए गवर्नमेंट ने, स्कीम, इसका मतलब है जो जो स्कीम है उस क्षेत्र में सरकार कार्य करना चाहती थी, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट लिखा था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं है बिल्कुल, तो ग्रामीण लोगों को रोजगार मिले तो उनकी आय होगी। दूसरा प्रोग्राम था बायोगैस, सेफ ईंधन या सेफ फ्यूल। जनरली क्या होता है रूरल एरिया में, विशेषकर आज भी खाना पकाने के लिए ज़्यादातर कोयला, लकड़ी और उपले जो होते हैं उनका प्रयोग, इससे धुआं फैलता है, वायु प्रदूषण तो करता है, व्यक्ति को खुद भी हार्म करता है। इसके लिए जो बायोगैस है उसके जरिए जो एनिमल वेस्ट है, गोबर विशेषकर, उसके गैस प्लांट में वो डालने से क्या होगी, मीथेन गैस बनती है, और उस गैस का उपयोग आप किचन पर्पस से कर सकते हैं। तो बायोगैस में जो लोग बना रहे थे घर में उनको सरकार उस समय सब्सिडी दे रही थी, और रूरल एरिया में काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था, लेकिन बाद में जब LPG गैस आई तो लोगों ने बायोगैस का पीछा छोड़ दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी प्रोजेक्ट है, इसमें डेली आपको गोबर डालना पड़ेगा, हाँ, क्या, हाँ ठीक है। तो यही करते हैं लोग, यही करते हैं जिनके यहाँ होता है ना वो गैस, बायो साइंस में आई थिंक पढ़ा होगा आपने बायोगैस, और डायग्राम भी बनाया होगा, हाँ मॉडल, तो वो स्पेसिस बहुत जगह लेता है वो, है ना, शहरों में तो पॉसिबल नहीं है, और जगह कंज्यूम करता है काफ़ी सारी, इसलिए लोग उसको प्रेफर। अब तो LPG जो है वो हर जगह अवेलेबल है, और रूरल एरिया में भी लोग उसी को, है ना, यूज़ करते हैं।
इसके लिए था ताकि लोगों को सेफ फ्यूल मिले, पर्यावरण प्रदूषण भी ना हो और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में लोग क्या कर सके, जी सके। ठीक है, चूल्हा फूकने वाली जो कहावत है वो धीरे धीरे अब कम होती जा रही है ना। उज्ज्वला योजना, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो शिक्षक बेरोजगार है उनके लिए रोजगार भी तो चाहिए, तो उसके लिए प्रोग्राम है। डेयरी, जो लोग कृषि कर रहे हैं, कृषि के साथ साथ पशुपालन कर रहे हैं, उनको उनके मिल्क की अच्छे दाम मिले, कॉस्ट मिले, उसके लिए डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम उन्होंने चलाया। ठीक है, तो जितने भी प्रोग्राम हैं उसमें उनके ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहे हैं। कपास विकास कार्यक्रम, रोटी के बाद इंसान की दूसरी जरूरत होती है कपड़ा, कॉटन होते ना, कपास को और क्या बोलते हैं हिंदी में, रुई। क्या रुई और अलग इसलिए नहीं हुए क्योंकि कपड़े रुई से बनता है धागा, धागे से बनते हैं कपड़े। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है ना, कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग क्या करते हैं, रुई खरीदते हैं, है ना। रजाई गद्दे के अलावा भी बहुत उपयोग है रुई का। और उसमें इंडस्ट्री में वो कपास खरीदा जाता है और उसकी वीविंग की जाती है। वीविंग की जाती है मतलब उसको काटा जाता है जिससे कि वो पतले पतले धागे बनाए जाते हैं और उन धागों को मशीन में डालते हैं और वो धागे एक जैसे आप स्वेटर वगैरह बुनते हैं ना, तो वो धागे से क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं। और सारे कपड़े प्राइमरीली वाइट ही होते हैं, फिर बाद में उन्हें डाई किया जाता है कलर। जितने डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन आप खरीदते हैं वो सब क्या है, कलरिंग है। और फिर वो मार्केट में आते हैं, स्टिचिंग होते हैं और हम लोगों तक पहुंचते हैं। इसी तरह से सिल्क का कॉन्सेप्ट भी है, ऊन भी ऐसे ही बनता है, भेड़ों के बाल छील लिए जाते हैं, ठीक है, और उसको ऊन बनाते हैं और फिर ऊन से स्वेटर और ये सारी चीजें बनती है, वुलन। ओके, तो कपास, चूंकि कपड़ा बहुत सारा आयात होता था विदेशों से, तो उसको भी क्या किया गया कि भारतीय स्तर पर ही कपास का अधिक से अधिक उत्पादन हो और टेक्सटाइल सेक्टर यहाँ पर डेवलप हो। और दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था इसका कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार जो उद्योग देता है वो कपास उद्योग है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मिलती है। इंडिया का जो टेक्सटाइल हब है वो है, एक तो गुजरात में अहमदाबाद है, मुंबई है, गुजरात में ही सूरत है, नॉर्थ में कानपुर है, साउथ में कोयम्बटूर है। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर हाईएस्ट क्वांटिटी में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं और कॉटन मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। अहमदाबाद क्या है, अक्षत क्यों बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अक्षत जैन, जल्दी से आंसर दो, अक्षय विश्वकर्मा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आंसर, अब ये मत बोलना कि नाम भी गलत लिया तो आंसर भी गलत दोगे, आंसर तो सही था एटलीस्ट। कहाँ पे मैनचेस्टर क्यों बोल रहे हैं, मैनचेस्टर कहाँ है, इंग्लैंड का एक शहर है मैनचेस्टर, और वहां सबसे पहली बार औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी और औद्योगिक क्रांति कपास से शुरू हुई थी, मतलब कपास की फैक्ट्रीज लगाई गई थी पहली बार। इसलिए वर्ल्ड में जितने भी टेक्सटाइल हब हैं उन सबको मैनचेस्टर कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर है, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर है। ठीक है, और दुनिया की पहली ट्रेन लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी, हाँ 1925, वर्ल्ड की पहली ट्रेन मैनचेस्टर से लिवरपूल इंग्लैंड 1825, 1825। ठीक है, इसलिए मैनचेस्टर बोलते हैं।
सारे प्रोग्राम है 6-5 ईयर प्लान में. सबसे इम्पोर्टेंट है गरीबी हटाओ का नारा. दूसरी चीज है छठवीं पंचवर्षीय योजना के खत्म होने से एक साल पहले भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने और उन्होंने अपना टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस जो था वो इस पंचवर्षीय योजना में देने की कोशिश की. सातवीं पंचवर्षीय योजना हेडिंग है 7th 5-year प्लान. सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90, 85 से 90. ठीक है, कब से कब तक? 85 से 90 तक थी ये 5-year प्लान. ओके, तो इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स एक साथ रखे गए थे जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट हो, हर फील्ड में मॉडर्नाइजेशन हो, सेल्फ रिलायंस हर फील्ड में भारत क्या हो, और सोशल जस्टिस मिले सबको. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस 5-year प्लान की यही है. क्वेश्चन आता है सामाजिक न्याय की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में थी. जैसे गरीबी 5वीं में थी, नारा 6वीं में था, वैसे ही सोशल जस्टिस. तो 7th और सोशल ऐसा करके याद रख लो. जो सोशल है वो कौन सी में है? 7. सामाजिक है 7 में. ठीक है, तो सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मूल लक्ष्य था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का. तो इंपॉर्टेंट है वहीं पर लिख लीजिए, सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय. ओके, फिर हम मुझे बताएंगे एक क्वेश्चन का और आंसर. इधर से शुरू करते हैं. सोशल जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ मेंशन है? भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय प्रेम्बल में, बिल्कुल सही. और कहाँ से कहाँ था कि सामाजिक न्याय? सामाजिक न्याय के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? हाँ, पीछे कोई बताना चाह रहा है? हाँ बबीता बोलो. संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद हैं सामाजिक न्याय से संबंधित? 14 से आप बताइए. प्रीएम्बल में सामाजिक न्याय, बिल्कुल सही. क्या सामाजिक न्याय समाज ने दिया? सामाजिक न्याय और सोशल इक्वालिटी संविधान ने में क्या दिया है? सामाजिक न्याय तो दिया ही दिया है, साथ ही साथ सामाजिक समानता भी दी है. ठीक है, क्या समझते हो आप अनुज तिवारी, सामाजिक न्याय की क्या परिभाषा होगी? सोशल जस्टिस. तो रिलीजियस हो गया, सोशल बताओ ना. सामाजिक न्याय ये बताएंगे मुझे राकेश, क्या मतलब है इसका? नहीं पता. सामाजिक न्याय
जब 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ये बैठे हुए सम्माननीय श्री श्री महाराज जी, इनको बोलो आंसर दो, सोच के दे सकते हो, कोई बहुत बड़ी वाली नहीं पूछ लिया हमने आपसे। आपसे पूछ रही हूँ मैं, कौन देगा ये? आपकी टर्न जा चुकी है, काइंड योर इन्फॉर्मेशन। इधर नहीं बता पा रहे काफी प्रयासों के बावजूद। जितेंद्र, हाँ आप ही के नाम है, आंसर दो फिर। बहुत बढ़िया, सामाजिक न्याय नहीं बता पा रहे, तो आर्थिक बता पाओगे? सौरभ द्विवेदी बैठे हैं बीच में, आंसर दो। हाँ चलो जो भी हो, रघुवंशी, आंसर दो। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन दिस सोसाइटी, ओके। नहीं बहुत बढ़िया, ठीक है। आर्टिकल 15 भी इसमें आएगा, सोशल इक्वालिटी में, सोशल जस्टिस में, ठीक है। सोशल जस्टिस कुछ ऐसा नहीं है, सोशल जस्टिस एक ही बात बोलता है कि इस पृथ्वी पर जो भी लोगों का जन्म हुआ है वो सभी एक जैसे हैं, और किसी भी पूर्वाग्रह के आधार पर, पूर्वाग्रह मतलब पुरानी कोई सोच या पुरानी कोई परंपरा के आधार पर किसी भी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, ऑल पीपल ट्रीटेड इक्वली इन ऑल ग्राउंड्स, सभी लोगों को समान प्रकार से या एक समान तरीके से क्या मिले, सम्मान मिले, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सोशल। ये कोई कोर्ट नहीं देगा ये न्याय, ये हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को देगा, ठीक है। किसी भी ग्राउंड पर अगर आप किसी से किसी भी तरह का भेदभाव करते हैं तो वो सामाजिक अन्याय होगा, क्योंकि हम सब समाज में रहते हैं। ह्यूमन जो है वो सोशल एनिमल है। समाज शास्त्र अगर आप कभी पढ़ें तो उसमें लिखा गया है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, प्राणी माना गया है व्यक्ति को, सोशल इवन प्राणी से भी बढ़कर लिखा है अगस्ट कॉम्पटन, जो कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, उन्होंने ह्यूमन को सोशल एनिमल बोला है। क्या बोला है? सोशल एनिमल। तो हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को समान अधिकार है अपनी बात रखने का, अपने तरीके से जीने का, अपनी संस्कृति को मानने का, अपनी भाषा को बोलने का, अपनी संस्कृति से संबंधित वस्त्र पहनने का, अपनी संस्कृति से संबंधित खाना खाने का। अगर आप उसके खाने के तरीके को, उसके कपड़े के तरीकों को देखकर उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उसके साथ भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं, तो वो सारी चीजें सामाजिक अन्याय कहलाएंगी, सोशल अनजस्टिस, ठीक है। तो सभी ग्राउंड पर अगर इक्वालिटी है तो दैट इज कंसिडर सोशल जस्टिस, इसको हम सामाजिक। इसी तरीके से हमारे संविधान ने हमें आर्थिक न्याय भी दिया है कि आप अपनी पोटेंशियल, अपनी क्षमता के हिसाब से जिस क्षेत्र में चाहे उस क्षेत्र में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। जैसे कि आपने डिसाइड करा हमें सिविल सर्वेंट बनना है, तो किसी ने रोका आपको? सरकार ने मना कर दिया कि नहीं मत बनो, अभी वैकेंसी नहीं निकाल रहा हूँ मैं, नहीं बोला ना, आपकी चॉइस थी। तो ये है इकोनॉमिकल जस्टिस कि हम जो चाहे वो इकोनॉमिक प्रैक्टिस अपना सकते हैं, वो हमारी चॉइस है, इसमें गवर्नमेंट का या किसी और का कोई इंटरफेरेंस, दैट इज द इकोनॉमिकल जस्टिस, ठीक है। संविधान सोशल इक्वालिटी भी देता है, क्या देता है? लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं देता। हमारा संविधान हमें आर्थिक समानता कि ये 10,000 कमा रहा है तो लंडे पहुंच गए, मेरी सैलरी भी 10,000 ही होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। उसके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर भी लेकर आओ। तो आर्थिक समानता नहीं है, लेकिन आर्थिक न्याय
सामाजिक न्याय भी है और सामाजिक समानता भी है। किसके अंदर? 14 से लेकर जो आर्टिकल है हमारे 18 तक, ठीक है, वो सब सोशल इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को डील करते हैं, ठीक है, कि समाज में आपसे कोई भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी ग्राउंड पर नहीं करेगा, चाहे जाति हो, धर्म हो, संस्कृति हो, पैसे हो, कलर हो, सेक्स हो, किसी भी बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन, इसको आप सोशल जस्टिस बोलेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी भी दी गई है हमारे संविधान में, कोई भी व्यक्ति कितना भी पढ़ा हो, कितना भी ना पढ़ा हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, ठीक है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, दे संविधान द्वारा निर्धारित किसी भी पद पर बैठने के लिए योग्य है, अभी तो उसके लिए कुछ एज, कुछ क्वालिफिकेशन डिसाइडेड, वो अगर आप फिल कर रहे हैं तो आप वहाँ पर, तो ये पॉलिटिकल इक्वालिटी भी आपको प्रोवाइड की गई है। राजनीतिक समानता, न्याय नहीं है राजनीतिक, क्या है? समानता है, ठीक है। तो रिलीजियस भी इक्वालिटी है, रिलीजियस इक्वालिटी, ठीक है, कि आप अगर मन से जो भी धर्म आप एक्सेप्ट करना चाहें बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी इंटरफेयर के, आप वो रिलीजन को जब चाहे तब एक्सेप्ट कर सकते हैं, जब चाहे तब छोड़ सकते हैं, ये टोटली आपकी विश पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इक्वालिटी और जस्टिस को थोड़ा सा समझने की जरूरत, जस्टिस हमेशा न्यायाधीश ही नहीं देते, ठीक है, सबसे बड़ा जस्टिस तो होता है जो ह्यूमन एक दूसरे के साथ करते हैं व्यवहार, ठीक। तो इसी सामाजिक न्याय का लक्ष्य रखा था कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 7th 5-year plan। ठीक, अब लिखते हैं अपन ये 7th पंचवर्षीय योजना। देखेंगे, इस योजना ने तीव्र खाद्यान्न उत्पादन, इस योजना ने तीव्र खाद्यान्न उत्पादन रोजगार तथा सामान्य उत्पादन में बढ़ोतरी पर बल दिया, नियोजन के मूल सिद्धांत जैसे विकास, आधुनिकीकरण आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय योजना के आधार के रूप में कायम रहे, इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इंक्लूडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी
अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल जस्टिस, मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल जस्टिस। फॉर द फर्स्ट टाइम द प्राइवेट सेक्टर गॉट प्रायोरिटी, फॉर द फर्स्ट टाइम द प्राइवेट सेक्टर गॉट प्रायोरिटी ओवर पब्लिक सेक्टर। इसको भी अंडरलाइन करेंगे, प्रायोरिटी ओवर पब्लिक सेक्टर। हिंदी में पहली बार सार्वजनिक क्षेत्रों के स्थान पर, पहली बार सार्वजनिक क्षेत्रों के स्थान पर निजी क्षेत्रों को, सार्वजनिक क्षेत्रों के स्थान पर निजी क्षेत्रों को प्राथमिकता, निजी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई, किस सेक्टर को प्राइवेटाइज किया गया, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ओके। लिखेंगे आगे, उद्देश्य क्या क्या थे, हिंदी मीडियम में लिखो, इंग्लिश में तो आई थिंक लिख लिए थे, ऑब्जेक्टिव लिख लिए थे ना सेवन्थ के, हिंदी मीडियम में उद्देश्य। पॉइंट बना के पहला, योजना का विकेंद्रीकरण, योजना का विकेंद्रीकरण करना तथा निजी क्षेत्रों की भागीदारी, निजी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना। निजी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना, गरीबी उन्मूलन तथा आय में असमानता को कम करना। सेकंड है, गरीबी उन्मूलन तथा आय की असमानता को कम करना। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। नेक्स्ट, उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, आय के समानता को दूर ऐसे कर सकते हैं कि जो कम कमाते हैं, जिनके पास कुछ काम नहीं है, उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट देंगे। ठीक है, जो कमा रहे हैं उनके पास तो ऑलरेडी है ही, उनके लिए कुछ नहीं करना है। किन के लिए करना है, जिनको ज़रूरत है। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो वो भी धीरे धीरे इस तरह से इनकम जो डिस्पैरिटी है वो दूर हो जाएगी।
नेक्स्ट आ जाइएगा। अब आगे ओके अब क्या हुआ यहाँ पर कि फिर से प्लानिंग में क्या आ गया गैप। ये कब फिनिश हो गई थी 90। अब क्या हुआ 1990 में ही प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी उनको एसेसिनेट कर दिया गया, मतलब उनकी हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी की भी हत्या हो गई थी ठीक है, और किसकी हत्या हो गई फिर से राजीव गांधी, और जिसका चार्ज लगाया गया था लिट्टे, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अभी भी श्रीलंका का ठीक है, श्री प्रभाकरन उसका जो था वो मास्टरमाइंड था। तो उन्होंने राजीव गांधी को क्या कर दिया, फूलों का हार पहनाया जिसमें बॉम्ब था, और बॉम्ब ब्लास्ट होने से उनकी मतलब बॉडी के पूरे पार्ट भी नहीं मिले थे उनके जब उनको फ्यूनरल किया गया था, तो इतनी बुरी डेथ हुई उनकी। अब फिर से एक वही वैक्यूम आ गया जो उस समय था, इंदिरा गांधी जब की डेथ हुई तो एक व्यक्ति था जो उनके कार्यकाल को संभाल सकते थे, वो थे राजीव गांधी। लेकिन राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा पॉलिटिकल फेस था नहीं जो कि क्या करे उस वैक्यूम को फिल कर सके। और राजीव गांधी का जो पीरियड था वो यूथ के लिए, यूथ डेवलपमेंट के लिए और इंडिया को टेक्नोलॉजी में स्मार्ट बनाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो और इसी समय क्या हो गई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ गई थी। आर्थिक उदारीकरण कब किया भारत ने, 1991 एलपीजी मॉडल, तो 90-91 में भारत में आर्थिक संकट भी बहुत आया जब प्रधानमंत्री की डेथ होगी उसी के समय। और उस इकोनॉमिकल क्राइसिस से बाहर अगर पैसे नहीं है तो प्लानिंग बन सकती है क्या, पहले भी यही हुआ था कि जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ 65 में चीन से युद्ध हुआ, 75 में 65 में पाकिस्तान, फिर 72 में पाकिस्तान, तो जब जब युद्ध हुए तब तक फंड्स क्या हो गए, युद्ध हुए तब तक फेमाइन भी आया, अकाल भी पड़ा। 1991 में कोई वॉर नहीं हुआ लेकिन फिर भी इंडिया में क्या था, फाइनेंशियल क्राइसिस था। तो आगे पंचवर्षीय योजना कैसे बनाई जाए, इसलिए फिर से प्लानिंग में क्या हुए, गैप्स हुए, जिसको क्या बोला गया, प्लान हॉलीडे या एक वर्षीय योजना या योजना अवकाश, जो कि पहले भी हम दो बार इसको देख चुके हैं। एक हमने देखा 3rd 5-year plan की ड्यूरिंग, और दूसरा हमने देखा 5th 5-year plan की ड्यूरिंग, और अब हम देख रहे हैं 7th 5-year plan। हाँ किस समय, इस समय थोड़ी ना, इस नरसिंह राव बन गए थे इस समय तो राजीव गांधी के। हाँ तो वो इनकी डेथ के बाद की कहानी है ठीक है। हाँ 89 वाला इलेक्शन कांग्रेस हार गई थी ठीक है, फिर ये दोबारा से प्रधानमंत्री बन गए थे राजीव गांधी, नहीं मतलब सॉरी प्रचार कर रहे, इलेक्शन का एडवर्टाइजमेंट ही चल रहा था, प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जो इलेक्शन होने वाला था उसका एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, और उसी ड्यूरिंग एक रैली में इनको क्या कर दिया, एसेसिनेट कर दिया। और फिर कौन बने, नरसिम्हा राव ठीक है। तो वो इसके बाद की बात है 91, 92। फिर नए प्रधानमंत्री बने थे जो कि कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे ओके। तो अब यहाँ पर यही हुआ कि फिर से पॉलिटिकल वैक्यूम, ये जो प्लानिंग गैप था इसकी मेन वजह क्या थी, राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल वैक्यूम, फेमाइन इसका कारण नहीं था, ना ही किसी दूसरे नेशन से वॉर था, क्या था, पॉलिटिकल वैक्यूम। और इस इतनी बुरी स्थिति हो गई थी अब तो कि इकोनॉमिकल क्राइसिस को दूर करना कुछ कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था। और इस समय ये लग रहा था कि भारत में पहली बार इकोनॉमिकल इमरजेंसी लग जाएगी, क्या लग जाएगा, वित्तीय, जो कि आपके संविधान का आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। लेकिन उसी समय जो प्रधानमंत्री बने थे राव, और उस समय भारत के वित्त मंत्री थे जो कि बाद में प्रधानमंत्री भी बने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने एक आइडिया दिया कि
कि भारत की वित्तीय स्थिति को सुधारने का और ट्रैक पर लाने का एक ही उपाय है कि हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को, हम भारतीय अर्थव्यवस्था को ओपन करें। अभी इंडियन इकोनॉमी क्लोज थी, कुछ सेलेक्टेड लोगों देशों के साथ ही हमारा लेन देन था, पूरे विश्व के साथ कोई कनेक्टिविटी। तो इंडियन इकोनॉमी को ओपन करने का सजेशन, और उस समय प्रधानमंत्री थे, इन्होंने तुरंत बिना किसी सवाल के वो मॉडल एक्सेप्ट कर लिया और भारत में क्या हुआ, एलपीजी मॉडल लागू हो गया। अब एलपीजी मॉडल लागू होने से फिर से इंडियन इकोनॉमी ट्रैक पर आ गई और फिर से फाइव ईयर प्लान बनने लगे। ठीक है, तो इस समय पहली बार भारत ने लोन लिया था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से। पहली बार भारत ने क्या लिया था, कर्ज, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होते तो आप क्या करते हो, उधार लेते हो। देश के पास पैसे नहीं थे तो क्या करना पड़ा, तो लोन लिया। कहाँ से, सिक्योरिटी में गोल्ड और बॉन्ड्स रखे और वहाँ से लोन लिया, और उस लोन से करंट स्टेटस को सुधारा गया, और फॉर्चुनेटली भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी गति पकड़ ली, जो कि अभी तक पकड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल आज तक जीरो टाइम से एक बार भी नहीं लगा, 91 में लग सकता था। ठीक है, तो यहाँ इस ड्यूरिंग 7-5 ईयर प्लान के बाद फिर से क्या होता है, प्लानिंग गैप आ जाता है। तो प्लानिंग गैप की कितनी सिचुएशन हो गई अभी तक, 3, और बस ये 3 ही है, इसके बाद कभी भी प्लानिंग गैप हुआ नहीं। फिर इसके बाद या तो प्लानिंग पूरी तरह से ख़त्म हो गई, जो कि 2017 3, 7 और 15 वर्षीय योजनाएं बनाई गई। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, योजना अवकाश से आप क्या समझते हैं, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में योजना अवकाश की स्थिति कब कब और कितनी बार आई, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्लान हॉलीडे, और ये सिचुएशन कितने टाइम्स अकर हुई, इसलिए इसको याद होना चाहिए आपको। ओके, तो 7-5 ईयर प्लान ही हमारा, इसमें आगे लिखेंगे आगे। लीजिए, 2 वार्षिक योजनाएं, 2 एनुअल प्लान, ठीक है। एक्चुअली 8वीं पंचवर्षीय योजना होनी थी 90 से 95, लेकिन वो शुरू ही नहीं हो पाई। लिख लीजिएगा, 8वीं योजना जिसकी अवधि 1990 से 1995 निर्धारित की गई थी, शुरुआत ही नहीं हो पाई, चूंकि केंद्र में तेजी से राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, केंद्र मतलब केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट में तेजी से राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, आठवीं योजना का पथ भ्रमित हो गया,
1980 के दशक के अंत की 1980 के दशक के अंत में वित्तीय असंतुलन की स्थिति व्याप्त थी। अतः आठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में देरी हुई। नई सरकार जो केंद्र में सत्ता में जून 1991 में आई उसने यह निर्णय लिया कि उन्नीस सौ बानवे से सत्तानवे की अवधि में आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निर्धारित किया गया तथा वित्तीय वर्ष 1990-91 तथा 91-92 को 1990-91 तथा 91-92 को दो भिन्न वार्षिक योजनाओं के रूप में स्वीकार किया गया। इन दो क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं को
ढांचे के अंतर्गत सूत्रबद्ध किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करने जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करना एवं सामाजिक परिवर्तन लाना था। सोशल चेंज, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स थे उनको दूर करना था, सामाजिक परिवर्तन लाना था। ठीक है, अब आ जाए इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में क्या क्या लिख लिया था? ओके, एडिटिंग डाली थी। ठीक है, लिखेंगे ड्यू टू द पॉलिटिकल टर्मोइल या पॉलिटिकल डिस्टरबेंस एट द सेंटर एज वेल एज द सेंटर एज वेल एज द ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस एंड फिस्कल इम्बैलेंस ऑफ द कंट्री इन लेट 80s इन द लेट 80s मतलब 1980s द एट्थ प्लान कुड नॉट टेक ऑफ in 1919. It was decided that eighth plan would commence on Treated as separate annual plan. With the objective of more employment and social changes. Heading 8th Five-Year Plan. 8th Panchvarshiya Yojana. 92 to 97. Eighth Five-Year Plan. Most important. ठीक है।
अभी जो प्लानिंग थी इसने पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी का ट्रेंड ही बदल दिया। पहले क्लोज थी, अब ओपन हो गई। ठीक है, पहले इकोनॉमी में एलपीजी जैसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सारी चीज़ें सरकार के हाथों में थी। अब बहुत सारी पॉलिसी सरकार ने लिबरल कर दी। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया गया। वर्ल्ड लेवल पर इंडिया को कनेक्ट किया गया, जिससे कि कोई अगर आप इंडिया में बैठकर किसी दूसरे के देश के साथ ट्रेड और कॉमर्स करना चाहें तो भी आप, ऑब्वियसली बात है, इनडायरेक्टली इनकम आपकी ही आपकी होगी, मतलब आपके देश की हो रही है। पहले भारत बहुत ही नैरो इकोनॉमी वाला देश था, लेकिन अब भारत की इकोनॉमी क्या हो गई, काफ़ी ब्रॉड हो गई। ठीक है, तो एलपीजी मॉडल इतना कॉमन, इतना बेसिक क्वेश्चन है, बहुत तीनों के तीनों अलग अलग इंडिविजुअल भी पूछे गए, एक साथ भी पूछे गए। ठीक है, और आज के सिनेरियो में आप देखते हैं कि जिन नेशन ने इसको शुरू किया था ग्लोबलाइजेशन को, अब वो इससे भाग रहे। ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, ब्रेक्जिट। ग्लोबलाइजेशन मतलब है सब मिल बांट कर, हमारी कोई चीज आप यूज करिए, आपकी चीज है। ब्रिटेन बोल रहा है नहीं, तुम अपना रखो, मेरा मैं किसी को नहीं दूंगा, ना ही मैं किसी से लेने में विश्वास रखता। तो ये जो है ब्रेक्जिट हो गया यूरोपियन यूनियन से। अमेरिका क्या कर रहा है, ग्रेट वॉल बना दी मेक्सिको में, कि मेक्सिकन पीपल अमेरिका में आकर यहाँ के लोगों का रोजगार छीनते हैं। वीजा के रूल्स बहुत ही टफ कर दिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं अमेरिका में अब वो छोड़े और जाएं, अपने देश जाएं। यहाँ पर अमेरिका फॉर अमेरिकन्स, ये वाली पॉलिसी, अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी। ग्लोबलाइजेशन में तो कहीं भी ये नहीं है, ग्लोबलाइजेशन में तो सबको एक जैसे ट्रीट करो। अगर आप यहाँ अपना अपना दिखा रहे हैं, इसका मतलब है आप ग्लोबलाइजेशन में फेथ, जबकि शुरू में आप नहीं कराए ग्लोबलाइजेशन। तो ये चीज़ अभी हो रही है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि पहले ये था कि कोई भी एक देश है जिसने कोई चीज़ इन्वेंट की है तो लोग उससे, बाकी देश उसको मांगते थे कि दे दो भैया, हमें भी ज़रूरत है ना। जैसे जीपीएस मांग मांग के परेशान हो गए थे भारत। अब ग्लोबलाइजेशन है, मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल है, कोई मांगेगा नहीं, पैसे दे के खरीद के आप, तो उनको लगता है कि हमने इन्वेंट करा, हमारी इम्पोर्टेंस गिर रही है ना। पहले हम जिसको मर्जी चाहते थे देते थे, जिसको मर्जी चाहते थे, अब ये सिस्टम से हर किसी को हमें देना पड़ रहा है, और हमारी वैल्यू तो कुछ, और हमारी टेक्नोलॉजी दूसरे लोग कॉपी करके अपने अपने देशों में बना रहे हैं। तो हमारा जो वजूद है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डगमगा रहा है। इसलिए हम फिर से वही पुरानी शक्तिशाली देश बनेंगे, और वो तभी हो पाएगा जब हम अपने आप को अलग रख कर कुछ ना कुछ कार्य, इसलिए वो ग्लोबलाइजेशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बाकी देश इससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और दुनिया का एक ही देश है जो ग्लोबलाइजेशन से नहीं जुड़ा है, वो है नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया। किसी देश से नहीं जुड़ा है, ना किसी कुछ देता ना किसी से कुछ लेता, हर चीज़ वहाँ की प्रिसाइज है, लिमिटेड। तो उसी की तरह बनना चाहने की ये सारे देश कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी मैक्सिमम देश बिलीव करते हैं ग्लोबलाइजेशन में, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जो जिन्होंने शुरू करा वही बैकआउट कर लेंगे, तो भविष्य में ग्लोबलाइजेशन का कोई भविष्य बचेगा ही नहीं। फिर से लोग सिर्फ अपना अपना करेंगे, इस पर आक्रमण करो, हमला करो, जीतो जगह, जीतो धन, जीतो और खुद राजा बनो। जो पुराने समय में था ना, वैसी चीज़ें फिर से। अभी कोई राजा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब क्या है, इक्वल है। ये बात बहुत सारे लोगों को रास आ नहीं रही है। ठीक है, ओके, तो 8-5 year plan बहुत मायनों में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लिखेंगे, एट फाइव ईयर प्लान रन्स थ्रू द पीरियड फ्रॉम 92 to 97 runs through the period from 92 to 97 with the main
एम ऑफ अटेंडिंग ऑब्जेक्टिव्स लाइक अटेंडिंग ऑब्जेक्टिव्स लाइक मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर Rise in the employment level. Rise in the employment level. Poverty reduction and self-reliance on the domestic resources. Self-reliance on the domestic resources. बैकग्राउंड लिख लीजिएगा बिफोर द फॉर्मुलेशन ऑफ 8th प्लान बिफोर द फॉर्मुलेशन ऑफ 8th प्लान आ जाइए फॉर्मुलेशन ऑफ 8th प्लान देयर वर ग्रेट पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी There were great political instability in India, which hindered the implementation of any. ऑब्जेक्टिव लिख लीजिएगा पॉइंट्स बनाकर पहला टू प्रायोरिटाइज द टू Prioritize the specific sectors which requires immediate investment. दूसरा टू जनरेट फुल स्केल एम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट टू प्रमोट सोशल वेलफेयर मेजर्स टू प्रमोट सोशल welfare measures like improved health care sanitation communication and provision for Extensive education facilities at all levels. To check the increasing population growth. To check the increasing population growth by creating mass awareness program. Next, to encourage growth and
डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, टू इनकरेज ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, नेक्स्ट टू अचीव सेल्फ रिलायंस, टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन फूड एंड प्रोड्यूस, सेल्फ रिलायंस इन फूड एंड प्रोड्यूस सरप्लसेस फॉर इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, प्रोड्यूस सरप्लस फॉर इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, नेक्स्ट टू स्ट्रेंथ द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, टू स्ट्रेंथ द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक एनर्जी पावर इरिगेशन, लाइक एनर्जी पावर इरिगेशन नेक्स्ट टू इंक्रीज द टेक्निकल कैपेसिटीज, टू इंक्रीज द टेक्निकल कैपेसिटीज फॉर डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फॉर डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्निकल कैपेसिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट टू मॉडर्नाइज इंडियन इकोनॉमी, टू मॉडर्नाइज इंडियन इकोनॉमी एंड बिल्ड अप अ कॉम्पिटिटिव एफिशिएंसी, बिल्ड अप अ कॉम्पिटिटिव एफिशिएंसी इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन दी In order to participate in the global development, participate in the global development. Next, to create opportunities for the general people to get involved in various developmental activities by building and strengthening mass institution अब लिखेंगे हिंदी मीडियम में क्या लिखा था लास्ट पॉइंट, अच्छा सिर्फ हेडिंग डाली थी, ठीक लिखेंगे इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समग्र आर्थिक विकास तथा मानव विकास था, मूल उद्देश्य समग्र आर्थिक विकास तथा
मानव विकास था, समग्र आर्थिक विकास तथा मानव विकास था। इसको जो मॉडल था वो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था। किसने इसके मॉडल को तैयार किया था? जॉन डब्ल्यू मिलर। मिलर जॉन डब्ल्यू मिलर ने आठवीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था। हाँ, इंडियन ही थे। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल आठवीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया था। ठीक है, लिखेंगे हिंदी मीडियम में। आगे आठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत एक नए आर्थिक परिदृश्य में हुई। आठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत एक नए आर्थिक परिदृश्य में हुई। इस समय आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। आर्थिक सुधार की शुरू हो चुकी थी जिसके तहत बिगड़ी हुई भुगतान संतुलन की स्थिति अत्यधिक वित्तीय घाटे, तथा मुद्रास्फीति की बढ़ती दर के लिए संरचनात्मक सामंजस्य तथा व्यष्टि स्थिरीकरण व्यष्टि होती है ना अर्थव्यवस्था, एक समष्टि होता है, एक व्यष्टि होता है माइक्रो। व्यष्टि स्थिरीकरण की नीतियों की शुरुआत की गई, क्योंकि सबको लेके चलेंगे तो रिजल्ट बहुत बाद में मिलेंगे, इसलिए एक एक करके की शुरुआत की गई। ये पहली योजना थी जिसने देश में अनेक दशकों से चली आ रही व्यष्टि आर्थिक नीतियों का आत्मनिरीक्षण किया।
इस योजना द्वारा मुख्य रूप से जिन मामलों पर ध्यान दिया गया था, मुख्य रूप से जिन मामलों पर ध्यान दिया गया था तथा इसके द्वारा दिए गए सुझाव तथा इस योजना के द्वारा दिए गए सुझाव निम्नलिखित हैं। थोड़ी से उनको पॉइंट्स बना के लिखेंगे हम आगे। 8 5-year plan, अभी ऑलमोस्ट 2 क्लासेस और लगेंगी, ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पहली है, 7वीं है 8वीं है 11वीं है और 12वीं, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव सबके याद रखने हैं अपन को। जा सकते हैं, थैंक यू।